नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हमने बताया था कि सैमसंग कंपनी अपने नए स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी A51s को लेकर आ रही है, जो कि कंपनी का एक बढ़िया अच्छा मिड रेंज 5G स्मार्टफोन होगा, जिसको कंपनी ने गीगबेंच सर्टिफिकेशन साइट के ऊपर लिस्ट कर दिया है। लेकिन दोस्तों, अब सैमसंग कंपनी अपनी ए सीरीज का एक और नया स्मार्टफोन लेकर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अब सैमसंग कंपनी सैमसंग गैलेक्सी A71s स्मार्टफोन को भी लेकर आ रही है। दोस्तों, इस स्मार्टफोन को भी कंपनी ने गीगबेंच सर्टिफिकेशन साइट के ऊपर लिस्ट कर दिया है, जिससे इस स्मार्टफोन की लगभग सभी स्पेसिफिकेशन सामने आ चुकी है। और यह स्मार्टफोन दोस्तों कंपनी का एक बढ़िया अच्छा पावरफुल स्मार्टफोन होगा। और दोस्तों, यह स्मार्टफोन मार्केट में रियलमी, शोमी और वीवो जैसी कंपनियों को कड़ी टक्कर देगा, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि अब दुनिया भर में कोरोना वायरस के चलते चाइनीज स्मार्टफोन्स का बायकॉट हो रहा है। तो दोस्तों, अब इसी को देखते हुए सैमसंग कंपनी अपने नए नए स्मार्टफोन को जल्दी जल्दी मार्केट में उतार रही है। तो दोस्तों, इसी के कारण सैमसंग गैलेक्सी A71s स्मार्टफोन को कंपनी लेकर आ रही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी A71s स्मार्टफोन के बारे में। तो दोस्तों, यदि आप एक बढ़िया अच्छा नॉन चाइनीज कंपनी का स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, तो दोस्तों आपके लिए सैमसंग गैलेक्सी A71s स्मार्टफोन बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं इस स्मार्टफोन के लुक और इसके डिजाइन के साथ। तो दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी A71s स्मार्टफोन का लुक और इसका डिजाइन सैमसंग गैलेक्सी A71 स्मार्टफोन की तरह ही होगा। इस स्मार्टफोन के अंदर भी आपको इन्फिनिटी ओ शेप की डिस्प्ले देखने को मिलेगी, और इसके साथ ही इसके बैक पैनल के ऊपर भी आपको कंपनी एल टाइप में क्वाड रियर कैमरा सेटअप देगी। तो दोस्तों, अगर बात की जाए इस स्मार्टफोन के फीचर्स के बारे में, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी 6.7 इंच की फुल HD सुपर एमोलेड इन्फिनिटी ओ शेप की पंच होल नोच डिस्प्ले देगी, जो कि 1080x2400 पिक्सल के रेजोल्यूशन के साथ होगी, और इसका एस्पेक्ट रेशियो 20:9 होगा। और इसकी कॉर्निंग के ऊपर आपको गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा, और इसके अंदर आपको दोस्तों इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, डिस्प्ले के मामले में स्मार्टफोन आपके लिए बढ़िया रहेगा। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको फुल साइज की बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जिससे आपको स्मार्टफोन के अंदर बढ़िया और अच्छा वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलेगा। और यदि आप पबजी वगैरह के शौकीन है, तो दोस्तों आपके लिए स्मार्टफोन और भी ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर आपको फुल साइज की बड़ी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिससे आप पबजी वगैरह अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। और दोस्तों, अगर बात की जाए स्मार्टफोन के वेरिएंट्स के बारे में, तो दोस्तों मार्केट में ऐसा स्मार्टफोन आपको 8 GB रैम के साथ देखने को मिलेगा, जिसके साथ आपको 128 GB का इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगा, और इसके अंदर आपको माइक्रो SD कार्ड का भी स्लोट मिल जाएगा, जिसके जरिए आप इस स्मार्टफोन के स्टोरेज को 1 TB तक बढ़ा भी सकते हैं। तो दोस्तों, मार्केट में शायद इसका आपको एक ही वेरियंट देखने को मिलेगा, बाकी दोस्तों मार्केट में इसके अलावा इसके और भी वेरियंट देखने को मिल सकते हैं। और दोस्तों, अगर बात की जाए स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर भी आपको कंपनी A51s स्मार्टफोन की तरह ही ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ स्नैपड्रैगन 765G का चिपसेट देगी, और यह मोबाइल एंड्रॉइड 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर लॉन्च किया जाएगा। और ग्राफिक के लिए इस मोबाइल के अंदर आपको एडियन 620 का GPU देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर की बात की जाए, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी स्नैपड्रैगन का बढ़िया और अच्छा लेटेस्ट चिपसेट देगी, जो कि आपको बढ़िया और अच्छा परफॉर्मेंस देगा। और दोस्तों, यह स्मार्टफोन 5G कनेक्टिविटी के सपोर्ट के साथ आएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्नैपड्रैगन 765G कंपनी का एक बढ़िया और अच्छा लेटेस्ट 5G चिपसेट है। तो दोस्तों, प्रोसेसर के मामले में स्मार्टफोन बढ़िया रहेगा, मुझे यह स्मार्टफोन का प्रोसेसर बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा। और दोस्तों, अगर बात की जाए स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इस स्मार्टफोन के बैक पैनल के ऊपर आपको कंपनी एल टाइप में क्वाड रियर कैमरा सेटअप देगी, जिसमें आपको इसके बैक पैनल के ऊपर 64 MP, 12 MP, 5 MP और 5 MP का रियर कैमरा और 32 MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा देगी। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कैमरा सेंसर बहुत ही जबरदस्त मिलने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 64 MP का प्राइमरी कैमरा सेंसर देखने को मिलेगा, जिससे आप बड़ी अच्छी 4K वीडियो शूट कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको दोस्तों 32 MP का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा, जिससे आप बड़ी अच्छी सेल्फी ले सकते हैं और वीडियो कॉलिंग आदि कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैमरे के मामले में यह स्मार्टफोन आपके लिए बढ़िया रहेगा। और दोस्तों, अगर बात की जाए स्मार्टफोन की बैटरी के बारे में, तो दोस्तों इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कंपनी 25 वाट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाली 47 mAh की बड़ी अच्छी पावरफुल बैटरी दे सकती है। तो दोस्तों, इस स्मार्टफोन के अंदर आपको बड़े साइज की बड़ी अच्छी पावरफुल बैटरी भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए, तो दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी A71s स्मार्टफोन के अंदर आपको बड़ी अच्छे पावरफुल फीचर्स मिलेंगे। मार्केट में स्मार्टफोन रियलमी, शोमी, ओप्पो, वीवो जैसी स्मार्टफोन कंपनियों को कड़ी टक्कर देगा। और दोस्तों, अगर इसकी कीमत की बात की जाए, तो दोस्तों इंडियन मार्केट में स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 35,000 रुपए के आसपास हो सकती है। बाकी दोस्तों, आपके अनुसार इस स्मार्टफोन की कीमत इंडिया में कितनी होनी चाहिए, और आपको यह स्मार्टफोन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।